रूट कैनाल करते टाइम कई बार हमें कैनाल्स लोकेट नहीं होती हैं या फिर कैनाल्स हमसे मिस हो जाती हैं, तो ऐसे कौन से टेक्निक्स हैं जिनका यूज़ करके हम कैनाल्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ताकि हमसे आरसीटी अच्छी हो सके और पेशेंट को ज़्यादा परेशानी ना आए। क्योंकि बिगनिंग लेवल पे ये काफ़ी बार देखा गया है कि जो बच्चे स्टार्ट करते हैं रूट कैनाल करना, उन्हें इस चीज़ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि कैनाल्स को कैसे फाइंड आउट करें। और आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी ही टेक्निक्स के बारे में बात करने वाला हूँ जिसमें से एक टेक्निक अभी न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है और काफ़ी अच्छी टेक्निक है और काफ़ी इजीली आप उसको अप्लाई कर सकते हो अपने पेशेंट्स के ऊपर। तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर सुनील। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप किसी पेशेंट की रूट कैनाल स्टार्ट करते हो तो सबसे पहली जो चीज़ आपके हाथ में होती है वो होती है पेशेंट का रेडियोग्राफ। आप उसका रेडियोग्राफ ढंग से रीड करना स्टार्ट करिए क्योंकि वही आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता देगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक रेडियोग्राफ शो कर रहा हूँ, अगर आप ये देखें इस रेडियोग्राफ के अंदर कि जहाँ तक केरियस पोर्शन प्रेजेंट है बिल्कुल उसके पैरेलली लेफ्ट साइड में पल्प चेंबर प्रेजेंट है। दैट मीन्स आप जैसे ही केरियस पोर्शन को रिमूव करना स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा लेफ्ट साइड में आकर डेब्रिटमेंट करेंगे तो आपको वहाँ पर कैनाल्स लोकेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आपको सारी कैनाल्स एक ही बार में मिल जाएं, बट आपको कुछ कैनाल्स वहाँ पर लोकेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। रूल नंबर टू, जैसे ही आपको कैनाल्स मिलना स्टार्ट हो जाएँ, आपको ईजिली जो जो कैनाल्स मिल रही हैं आप उनको लोकेट कर लीजिए एंड उनको प्रिपेयर करना स्टार्ट करिए। ऐसा नहीं है कि आप सारी कैनाल्स एक ही बार में ढूंढ रहे हैं। अगर आप बिगनिंग लेवल पर स्टार्ट कर रहे हैं तो कई बार ये डिफ़िकल्ट होता है कि आप सारी कैनाल्स एक ही बार में फाइंड आउट कर लें, क्योंकि बिगनिंग लेवल पे हमने सिर्फ बुक्स में देखा होता है कि कैनाल्स हमें कहाँ मिलेंगी, लेकिन एक्चुअल में जो कैनाल्स की जो समझ है वो आप जब बहुत सारी आरसीडीज़ को ओपन कर लेते हो, लाइक आप 15-20 आरसीडीज़ भी अगर ओपन कर लेते हो तो आपको उस चीज़ की समझ आने लगती है कि हाँ आपको कैनाल्स कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। और एक टाइम तो ऐसा आता है कि आपको आप देखते भी नहीं हो माउथ मिरर में और आप सीधा फाइल डाल देते हो क्योंकि आपको पता होता है कि यहाँ पर आपकी कैनाल है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको आएंगी। तो अगर आप बिगनिंग लेवल पर स्टार्ट कर रहे हो तो जो कैनाल आपको पहले लोकेट हो रही है आप उसको प्रिपेयर करते जाओ। लाइक अगर आप मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर को ओपन कर रहे हो तो आपको जो पैलेटल कैनाल है वो सबसे पहले मिलेगी। अगर मैंडिबुलर मोलर को स्टार्ट कर रहे हो तो आपको डिस्टल कैनाल पहले मिलेगी क्योंकि वो वाइड कैनाल्स हैं। अब क्या होगा, जैसे आप प्रिपेयर करते जाओगे उसको इरिगेट करते जाओगे आपका चेंबर क्लीन होता जाएगा। चेंबर क्लीन होने के बाद क्या करिए, प्रोब उठाओ, प्रोब से फिर फील करना स्टार्ट करो कि कहाँ कहाँ कैनाल्स हो सकती है। फिर वो बुक्स को इमेजिन करो कि बुक्स के अंदर जो डायग्राम दे रखा है कैनाल्स का, उस पॉइंट को आप लोकेट करना स्टार्ट करो। धीरे धीरे आपको कैनाल्स लोकेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। इससे भी आपको अगर कैनाल्स लोकेट नहीं हो रही हैं तो आप हाइड्रोजन परऑक्साइड को एक कॉटन पर लेकर और उसको चेंबर के अंदर डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि चेंबर क्लीन होने लगेगा। क्लीन होने की वजह से आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी और आपको इजीली मिलने लगेंगी कैनाल्स। इसके अलावा अगर आपको अभी भी कैनाल नहीं मिल रही है तो आप कैनाल डिटेक्टर डाइस का भी यूज़ कर सकते हो। इस डाई को आप कॉटन में डालो और चेंबर में रख दो। थोड़े टाइम बाद जहाँ जहाँ कैनाल्स होगी वहाँ वहाँ पर वो डाई अप्लाई हो जाएगी, वहाँ पर आपको क्रोमेटिक कलर्स उसका देखने को मिलेगा एंड देन फिर आप वहाँ से इजीली कैनाल्स को लोकेट कर सकते हो। इसके अलावा जो न्यूली इंट्रोड्यूस मेथड है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था वो है FOTI, फाइबर ऑप्टिक ट्रांस इल्यूमिनेटर। इसका नाम बहुत बड़ा है लेकिन ये बहुत छोटी चीज़ है। ये एक तरीके का लाइट सोर्स होता है। लाइट सोर्स कुछ भी हो सकता है, कोई नॉर्मल सी लाइट, कोई लेज़र लाइट या फिर क्योरिंग लाइट। क्योरिंग लाइट सबके पास होती है। आप क्योरिंग लाइट को लीजिए, उसको जलाइए एंड देन उसको टूथ सरफेस पे इस तरह रखिए जैसा कि मैं इस इमेज में आपको शो कर रहा हूँ। इसके बाद क्या होगा कि आपके जो कैनाल्स होंगी वो इल्यूमिनेट होने लग जाएगी, कि आपको वहाँ पर दिखने लग जाएगा कि अंदर टूथ के एक्चुअली है क्या, और आपकी विजिबिलिटी वहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगी। इससे आपको ऑरिफाइस लोकेट करने में हेल्प मिलेगी। और अगर इसके अलावा भी आपको ऑरिफाइस नहीं मिल रही है तो आपको एक्सट्रैक्टेड टूथ पर प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि अगर इन सारे मेथड्स को यूज़ करने के बाद भी आपको कैनाल लोकेट नहीं हो रही तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई इजी मेथड होगा जिससे आप कैनाल्स को लोकेट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। सो दिस इज़ डॉक्टर सुनील साइनिंग ऑफ।